लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था और कांग्रेस से पार्टी ने अपनी राहें जुदा कर दी थी। अब पार्टी ने अपने लोगों से कांग्रेस का नाम भी हटा लिया है। नए लोगों में सफेद रंग के दो फूलों के साथ हरे रंग का तृणमूल लिखा हुआ है, इसमें नीले रंग का बैकग्राउंड है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि इसे एक हफ्ते से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। आपको बता दें, 1998 में सत्ताधारी माकपा के समझौते पर मतभेद के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होते हुए टीएमसी का गठन किया था। एक पार्टी नेता ने बताया कि टीएमसी को तृणमूल कहा जाता है और 21 साल बाद पार्टी अपने नए नाम के साथ सामने आ रही है। कांग्रेस का नाम पार्टी के बैनर, पोस्टर और सभी संचार मटेरियल से भी हटा दिया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि हालांकि चुनाव आयोग में पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नाम से ही रजिस्टर करेगी, फेसबुक ट्विटर पर पार्टी के आधिकारिक पेज के साथ सीएम ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नए लोगों के प्रोफाइल इमेज बनाया है।